जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं इस्लामाबाद जा रही थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ। मैं महफिल चाय जो है वो वहाँ जा रही थी अपने बच्चों को अपने साथ लेकर। मेरी भांजी भी आई हुई है इसमें, आपको मेरे आज फर्स्ट है, मेरे बच्चे भी नज़र आएंगे। तो इंटरेस्टिंग व्लॉग है, आप ज़रूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो हूँ फर्स्ट टाइम गिम्बल की यूजिंग कर रही थी तो मैंने कहा, और मैं सैर भी करने जा रही थी और मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट भी मेरे साथ बैठा हुआ है, सोफिया। ये मेरी भांजी है, मेरी सिस्टर की बेटी है और ये मुझसे मिलने के लिए आई हुई है। सोफिया कैसी हो आप? और हम लोग इस्लामाबाद आए हैं क्योंकि ये कराची से आई है, रहती है मेहता में है, तो खाला से मिलने आई है। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा इस्लामाबाद बाहर की सैर वगैरह करवा के ले आए। ये इस्लामाबाद व्यू एरिया, सोदी टावर, सामने पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस। आपको मैं दिखाती हूँ पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस। ये मेट्रो स्टेशन, सामने पार्लियामेंट हाउस है, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस है। पर आगे नहीं जाने देते सिक्योरिटी की वजह से, यहाँ तक आप रह सकते हैं बस। जी हम जा रहे हैं अभी कौन सी जगह, चाय महल जा रहे हैं। मेरा बेटा भी आ गया, आप बोलो या फिर वो बोले। ये मेरे ख्याल में F6 पार्क है इस्लामाबाद। In 300 meters, turn left onto street 38. इस्लामाबाद बहुत सेफ है सिक्योरिटी वाइज, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन है। है सोफिया और कुछ? जी देखें यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा था, सूरज ग्रूब हो रहा था, बहुत प्यारा व्यू था। जी जी और हम लोग अब फाइनली जो हैं चाय महफिल में पहुँच गए हैं और मैं इसका आपको रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है, इसका इन्वायरमेंट कैसा है और ये फैमिली के लिए कैसा है। तो मैं ख़ुद फर्स्ट टाइम गई थी, मेरी भांजी मेरे साथ थी और ये इस्लामाबाद में है F6 में। और क्योंकि मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा सुनी हुई थी जो है, तो मैंने कहा चलें जी आज हम भी इधर जाते हैं और मेरे बाहर के व्यूवर्स जो इस्लामाबाद में आते हैं उनके लिए भी कि कौन सी जगह जो अच्छी है, आप बैठ के आराम से इत्मीनान के साथ जो है आप वहाँ पर खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और ये बाहर से लोकेशन है, ब्रीज़र शॉप के साथ है, ये मिनी माइनर ब्रीज़र शॉप F6 में। और ये इसका व्यू देखें, इसकी एंट्रेंस देखें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेट था, सारा शीशे का हाथ का काम हुआ हुआ। ये हम लोग जो ही इंटर हुए
तो हम लोगों ने जब इसका ये व्यू देखा एंट्रेंस का तो बहुत ही प्यारा था। क्योंकि ये मैं गिम्बल के साथ बना रही थी तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम भी गिम्बल यूज़ कर रही हूँ और इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मुझे आ जाएगा करने, यूज़ करने आ जाएगा। जी फाइनली हम लोग जो हैं वो ऊपर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आजकल जो है वो ओपन एरिया में बैठने की इजाज़त है। तो ये जो था ऊपर सबसे टॉप में इन्होंने जो था वो बंदोबस्त किया हुआ था, अब लोग हॉल में नहीं बैठाते ओपन एरिया में बिठाते हैं। और ये हम लोग जो हैं फाइनली चाय महफिल में पहुंच चुके हैं। और मैंने जब फ़र्स्ट मेरी नज़र पड़ी तो मुझे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, बहुत खूबसूरत डेकोरेशन है इसकी, बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा इन्होंने बनाया हुआ था और बहुत अच्छा आपका एनवायरनमेंट था। क्योंकि आप जब जाते हैं तो आपको एनवायरनमेंट, उसका व्यू, उसका जो है सफाई, हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो अभी तक तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और सफाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। और ये है सेवन, और ये मैं पूरा व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। इतनी खूबसूरत इन्होंने ये मटके रखे हुए हैं, खूबसूरत थोड़ा सा पंजाब का टच, पंजाबी टच दिया हुआ है। और हीटर का भी जो था वहाँ पे बंदोबस्त था, क्योंकि सर्दी थी तो हीटर के बगैर तो बैठने नहीं होता। आप लोग भी हैं अपनी फैमिली के साथ, माशाल्लाह इसका भी हम लोग ऑर्डर करवाने लगे थे। हम लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर करवाया था इनकी पनीनी, पराठा और चाय। मैं साथ साथ वॉइस भी कर रही थी लेकिन समझ नहीं आई कि मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसलिए जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अब। मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी।
जी इनका जो था वो रिफ्रेशमेंट आ गई थी, और जब हम लोगों ने खाया तो माशाल्लाह इनका टेस्ट भी बहुत लाजवाब था। जो पराठा था चिकन पराठा वो बहुत ही मज़े का था, चाय भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और ये बाहर का इन्वायरमेंट है, मैं बाहर आ गई थी तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को इस्लामाबाद की जो पहाड़ियाँ थीं और जो पीछे वाली लोकेशन थी वो मैं आपको दिखाऊं कि इस्लामाबाद की मारगल्ला की पहाड़ियाँ नज़र आ रही थीं। बहुत खूबसूरत सीन था। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइफ विद फातिमा राजा। और मेरे जो बहन भाई आउट ऑफ सिटी रहते हैं इस्लामाबाद पिंडी के अलावा, और इस्लामाबाद पिंडी के लोग रहने वाले और जो बाहर से लोग हैं आउट ऑफ सिटी रहते हैं आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उन लोगों के लिए फुल रिकमेंडेड है। आप जब भी आएँ तो यहाँ का ज़रूर विज़िट करें। खाना भी बहुत अच्छा था आपका, वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छी थी, व्यू भी बहुत अच्छा था, पूरा इस्लामाबाद वहाँ से ऊपर से टॉप से नज़र आ रहा था। और ये हम लोग जब नीचे मैं स्टेयर्स उतर रही थी तो ये नीचे जाने का व्यू है, क्योंकि मैं जब आ रही थी फ्रंट का था, ये मेरे बैक का है। और इसकी कितनी खूबसूरत माशाल्लाह पेंटिंग और इसकी जो नक्शकारी थी वो बहुत ही दीदा जेब थी, जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको एडमायर कर रही थी। और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं और बहुत अच्छा सा कमेंट भी करते हैं। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और मेरे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन